सांगली जिले में अरली गांव एक बड़ा व्यापार का केंद्र है। आसपास के छोटे बड़े सभी गांवों को मिलाकर 20 गांव का व्यापार इस गांव से चलता है। ये गांव में वाहन और नागरिकों के कारण हमेशा भीड़ बनी रहती है। गांव के उबड़ खाबड़ रास्तों से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़कों में हुए गड्ढों के कारण उसमें पानी जमा हो जाता है और पानी निकलने के लिए किसी भी नाली की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण वहाँ के स्थानीय नागरिक काफी परेशानी झेलते हैं। बीमारियों का फैलना, मच्छरों का आना लगा रहता है, जिसके कारण अरली गांव के ग्रामीण धरने पर बैठ गए। गावाला नाला नसल्यामुळे, दोन्ही साइडला नाला नसल्यामुळे पूर्णपणे पावसाची तर एवढी हालत या रोडला होत्या आणि या परिगतच्या सावाडी तालुक्यातला जवळजवळ सिद्धूर, उपूळ, बंदूर, त्याच्यानंतर तुमचा धनगरवाडा, कोल्हापूर, शिराळा, सर्व लोक या बाजारपेठ मेन असल्यामुळे सर्व लोक इथे येतात। आणि ही अशी आम्ही हायस्कूल, आपल्या इथं माध्यमिक हायस्कूल आहे, छोटा हायस्कूल आहे, सर्व हायस्कूल, गांधीजी विद्यालय, सर्व मुलं मुली ह्या तुमच्या या पाण्यामुळे आणि या आजारामुळे अतिशय, इथं दोन ॲक्सिडेंट होऊन आपली दोन माणसं पण वारलेले आहेत। कारण जवळजवळ 7 ते 8 पलीकडे सावाडीतल्या लक्झरी येणाऱ्या किंवा चांदोलीमधल्या लक्झरी येणाऱ्या 5 वाजता लक्झरी तर एवढ्या 7-8 लक्झऱ्या जातात आपल्या, आणि त्या लक्झरीतनं एवढं भीड होती या रस्त्याला की साधा माणूस, वयस्कर माणूस या रस्त्यानं चालू शकत नाही। कारण दवाखाना, बँका सर्व या रोडला आहेत, आपल्या दवाखाना आहेत, बँका आहेत या रोडला। तिथं म्हातारा माणूस जरी आलं किंवा वयस्कर माणूस आला त्याला संध्याकाळचं तर चालता येत, आता लक्झरी आल्या सुरुवात झाली बघाय। एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी सरकारी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे ग्रामीणों ने अपना गुस्सा जताते हुए गुड़ी पड़वा का त्यौहार नहीं मनाया और सरकार के खिलाफ विरोध व्यक्त किया।